पंडित जी, आपको पता ही रहेगा अभी इलेक्शंस इंडिया में बहुत चल रहे हैं और कुछ दिनों से यही सब बातें हम टीवी पे भी सुन रहे हैं। राजमंत्र में ही आपने कुछ 1.5 महीना पहले जो भाकित किया था, तो कल ही एग्जिट पोल सब चैनल बता रहे थे, बहुत चर्चाएं शुरू थी, तो वही एग्जिट पोल के बारे में जो आपने सब भाकित किया था 1.5 महीना पहले, वही सब एग्जिट पोल अभी सब बता रहे हैं न्यूज चैनल, तो इसके बारे में अब आप क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि राजमंत्र के माध्यम से जो भगवान की कृपा से भविष्यवाणियाँ होती हैं, उनमें से बहुत ऐसा समझ लीजिए कि बाबा और मौला की कृपा होती है और वो सच हो जाती है। 2 महीने पहले जब मैंने यही भविष्यवाणी की थी तो लोग बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी जीतेगी, दिख रही है, और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो मीडिया भी था वो बीजेपी की बढ़त दिखा रहा था। मगर इस वक्त वातावरण जो है वो बिल्कुल अपनी भविष्यवाणी के मुताबिक चल रहा है। आपको बता दूं, अगर आप 10 में से 8 एग्जिट पोल देखो तो 8 एग्जिट पोल सपोर्ट्स माई, मतलब मेरी भविष्यवाणी देख के लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि एग्जिट पोल हो गए हैं, मगर नहीं, अपना अपना एक विश्लेषण है। बड़ी मेहनत की है मीडिया ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। राजस्थान में मैं आप वापस बोल देता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस जो है स्वीप करती हुई दिखाई देती है, अच्छी तरह से 120 से 130 सीटें ले जाएगी और वहां पर युवा मुख्यमंत्री भी सचिन पायलट बन सकते हैं, अशोक गहलोत भी हो सकते हैं, मगर कुंडली के मुताबिक सचिन पायलट के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये पहली पसंद राहुल जी की हो सकती है। मध्य प्रदेश में कशमकश चल रही है। मैं अभी वापस उसी बात के ऊपर आपको मैं बता दूं जो मैंने पहले बोली थी कि कशमकश नेक टू नेक फिनिश में कांग्रेस सरकार बनाने के योग बन सकते हैं। वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, इन दोनों में से कोई भी मुख्यमंत्री की, क्योंकि दोनों का राजयोग चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को प्रभाव होगा। ये सब लोगों का अभी भी, आज भी 102 से 124 कांग्रेस और बीजेपी की ऐसी कुछ मिली जुली प्रिडिक्शन जो है मीडिया में आ रही हैं, मगर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, संजय सिंह, साथ में शिवराज सिंह जो अभी इस वक्त वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, 3 बार रह चुके हैं, कहीं ना कहीं वातावरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नज़र आता है और 128 से 130 सीटों के बीच में बीजेपी जीतती दिखाई देती है। और सिंपली उसके बाद में छत्तीसगढ़ में, जैसे हमने बोला था, भूपेश बघेल वहाँ के अध्यक्ष हैं। 20 साल पहले मैं खुद सोचता हूँ कि इनको मिला और इनको मैंने बोला कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग चीफ मिनिस्टर जैसा है, तो आज भगवान की कृपा से वहाँ पर छत्तीसगढ़ में मीडिया वही कर रहा है जो हमने बोला था और वहाँ पर भी कांग्रेस जो है जीतती हुई दिखाई देती है और भूपेश बघेल वहाँ के सीएम साफ साफ नज़र आते हैं। तेलंगाना में हमने जो प्रेडिक्शन किया था कि TRS अन्य पार्टियों के साथ मिलकर, TRS वैसे भी मेजोरिटी में आएगी मगर AIM जो है अकबरुद्दीन अवैसी और असद अवैसी की जो पार्टी है उनके साथ में मिलकर, और खुद TRS जो है मजबूत है वहाँ पे, कांग्रेस एंड बीजेपी पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं, चंद्रशेखर राव पुनः मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं, यही हमने कहा था। और मीडिया भी आज जो है एग्जिट पोल पे मध्य प्रदेश में नेक टू नेक को छोड़कर बाकी सब प्रिडिक्शन वैसी की वैसी, दरी की दरी सामने आ रही है जी।